हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर स्वेग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगी, घरों में सेफ होंगे और मजे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो आपकी फेस से रिलेटेड है। ये प्रोडक्ट आपकी स्किन में मुझे तमाम इंप्योरिटीज को निकाल कर चमकदार बना देगा। इसमें मौजूद है मिल्की गुडनेस जो आपकी स्किन को रिपेयर करे, और ये प्रोडक्ट है पॉन्ड्स स्टफ ब्राइट टोनर फेशियल फोम। इसको यूज करने के क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या नहीं, ये सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को फुल देखना है और इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए जी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू द रिव्यू। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का आपको नाम तो थंबनेल और टाइटल से ही पता लग गया होगा, और ओवरऑल पैकेजिंग की आप इमेज की बात कर लेते हैं तो ये है ट्यूब फॉर्म में। आप इसका फ्रंट भी देख सकते हैं और इसके अलावा बैक पर इसकी डायरेक्शंस और इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट के अलावा बाकी इंडोनेशियन लैंग्वेज है क्योंकि ये प्रोडक्ट इंडोनेशिया का है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। इसके टॉप पर आप देख सकते हैं, हमेशा एक्सपायरी डेट को देखते हुए ही आप कोई भी चीज़ बाय करें। 100 ग्राम की ये ट्यूब आपको मिल जाती है। इट्स टोटली इनफ कि आप 1 मंथ आराम से चला लेंगे। पैकेजिंग के बाद अब हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं। तो ये सिलिकॉन पैराबेन सल्फेट एंड अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है। इट मीन्स दैट के इसके अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारी स्किन के लिए नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर तो बात हो गई इसके इंग्रेडिएंट के, कितने अच्छे इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा इसके अंदर है मिल्की गुडनेस जो हमारी स्किन को रिपेयर करे और फ्लॉलेस बनाने में हेल्प करे। ये प्रोडक्ट स्किन में मौजूद तमाम इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल कर देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है मिल्क एंड ग्लूटा बूस्ट एसेंस जो स्किन को डीपली नरिश करते हैं और डीपली जो भी हमारी डर्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ फेस वॉशेज है, जेल बेस है, क्रीम बेस है और इसके अलावा जेल बेस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपने अपनी पहले स्किन की टाइप को मालूम करना है और फिर कोई भी फेस वॉश आपने बाय करना है और इसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने इसको टेस्ट कर लेना है, बेस्ट टेस्ट करने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट आप इसको यूज़ करें। अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग फेस वॉशेज बने हैं। अब इन तमाम को ढूंढने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो टाइम टेकिंग ये सीन है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉन्ड्स स्टफ ब्राइट टोनर फेशियल फॉर्म। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए बना है और ये बिला झिझक आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन जैसी भी आपकी स्किन है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मजे के बाद ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं डे में 2 टाइम्स। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कराती हूँ। ट्यूब ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये क्रीमी फॉर्म में है। इसके अलावा आपको जितनी अमाउंट चाहिए अपनी फेस को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, आप इतनी अमाउंट इसकी ले लें और फिर दोबारा से इसे क्लोज करके रख दें। तो ये बिल्कुल हाइजीनिकली सेफ है प्रोडक्ट है। और इसके अलावा ये क्रीमी फॉर्म में है तो इसका टेक्स्चर भी आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली सबको फेस वॉश करना आता ही है, बट इसका जो फॉर्म है वो मैं दिखाना चाह रही थी कि थोड़ा सा ही अमाउंट में आप लेते हैं और इसे वेट करने के बाद यहाँ इसका अच्छा खासा फॉर्म बन जाता है जो फेस को क्लीन करने के लिए इनफ है। जेंटली मैंने इसे मसाज किया है और फिर इसे वॉश आउट कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं कि वेट हो रहा है और बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, बट इसका रिज़ल्ट बड़ा ही कम। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट क्या मिला है तो आप देख सकते हैं कि मैंने फेस को वॉश कर लिया है और अच्छे तरीके से फेस भी वॉश किया था, और हाथ भी आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट वॉश में ही इसका रिज़ल्ट कमाल का है। जब ये फ़र्स्ट वॉश में ही इतना कमाल का रिज़ल्ट है तो आप जब इसे रेगुलर डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे तो कितना ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप इसे रेगुलरली 2 टाइम्स अ डे यूज़ कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ये ब्राइटन अप नहीं करता है स्किन को। हाँ, आपकी स्किन को लाइट करने में इसका ज़रूर हाथ है क्योंकि यह आपकी स्किन में से इम्प्योरिटीज़ को जब निकाल देता है तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाती है, जिससे वो ब्राइट लगती है। अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो इसको यूज़ करने के बाद मेरे वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स बहुत हद तक कम हो गए थे और बहुत अच्छी तरीके से फ्लॉलेस मेरी स्किन लगना स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कि कोरा होना ज़रूरी नहीं, आपकी स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।